महबूब नगर, रंगा रेड्डी और हैदराबाद, ये तीन जिलों का मिला के जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल सीट के लिए, उसका इलेक्शन इस महीने की 22 तारीख को हुआ था। उसकी काउंटिंग कल 25 तारीख को विक्ट्री प्लेग्राउंड में कर रहे हैं। इस इलेक्शन में 111,700 से ज़्यादा लोगों ने अपना वोट डाला है। इसकी काउंटिंग हम 28 टेबल पे करेंगे। हर टेबल पे एक काउंटिंग सुपरवाइज़र और तीन काउंटिंग असिस्टेंट रहेंगे, तो टोटल ऐसे 28 हम टेबल अरेंज करें हैं वहाँ पे। इस काउंटिंग को तीन स्टेज में किया जाएगा। पहली स्टेज में जो बैलेट बॉक्सेस हैं उसमें से ये जो बैलेट पेपर्स हैं उनको निकाल के उनको 50-50 बैलेट पेपर्स का एक बंडल बनाया जाएगा और वो बंडल को बाद में मिक्सिंग किया जाएगा। ये मिक्सिंग करने के बाद हम सेकेंड स्टेज काउंटिंग शुरू करेंगे, जिसमें ये बैलेट पेपर्स को खोल के वो बैलेट पेपर में फर्स्ट प्रेफरेंस किस कैंडिडेट को दिया गया है वो देख के उस कैंडिडेट को के वोट अकाउंट में उसको डाला जाएगा। तो ये स्टेज तकरीबन 4 राउंड तक चलेगा, क्योंकि हर राउंड में एक टेबल पे 1,000 वोट काउंट होंगे, तो एक राउंड में 28,000 वोट काउंट होंगे और तकरीबन ये 4 राउंड तक काउंटिंग चलेगा। इस सेकेंड स्टेज के बाद अगर किसी कैंडिडेट के जो वैलिड वोट्स हैं वो उसमें से 50% से ज़्यादा नहीं आते, तो फिर हम एलिमिनेशन राउंड्स में जाएंगे। एलिमिनेशन राउंड्स में सबसे कम वोट जिस कैंडिडेट को मिले हैं उसको एलिमिनेट करेंगे और उनके जो नेक्स्ट प्रेफरेंस वोट्स हैं वो दूसरे कैंडिडेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। ये एलिमिनेशन राउंड फिर आगे आगे चलता जाएगा, एक एक कैंडिडेट जो लास्ट में है उसको आगे आगे जाता रहेगा। जब तक किसी एक कैंडिडेट के 50% से ज़्यादा वोट नहीं आ जाते तब तक ये एलिमिनेशन राउंड चलता जाएगा। और टाइम का अगर देखें हम, तो हमने इस काउंटिंग को तीन शिफ्ट्स में हमने ऑलरेडी अरेंजमेंट कर लिए हैं। हर एक शिफ्ट में काउंटिंग जो स्टाफ रहेगा वो अलग रहेगा, और ज़रूरत पड़ने पे एक दिन से ज़्यादा भी अगर चले तो हमने उसके भी अरेंजमेंट करके रखे हैं, क्योंकि पिछला बार का एक्सपीरियंस था कि इस बार से तकरीबन आधे वोट्स थे बट पूरा काउंटिंग जो प्रोसेस था वो तकरीबन 30 घंटे तक चला था। तो वो हमने उसको देखते हुए इस बार टेबल का नंबर भी बढ़ा दिया है और स्टाफ को भी ज़्यादा बढ़ाया है और शिफ्ट सिस्टम भी लगाया है। तो हम चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द पॉसिबल है उतने जल्द से जल्द इस रिज़ल्ट को लेके आया जाए।